दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो शर्ट कटिंग पर होने वाली है और इस वीडियो में आपको एक एक चीजें शर्ट की कटिंग की जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से किसी भी साइज की शर्ट काट सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें, यह कटिंग केवल यंग एज लड़कों के लिए है। जो ओल्ड एज है उनके लिए अलग कटिंग है, ठीक है। जो फिटिंग की शर्ट पहनना चाहते हैं ये उनके लिए है। और इस वीडियो में आपको बिना तिवरे की शर्ट की कटिंग बताई जाएगी, ठीक है। बहुत से लोगों को ऊपर से तिवरा वी शेप में ऐसे करके चाहिए होता है, तो इस वीडियो में उस तरीके का तिवरा कटिंग और पूरी फिटिंग की शर्ट की कटिंग है, ठीक है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और सो कोट पर की शर्ट काटने के लिए सबसे पहले ऊपर की ओर निशान लगाना होगा, ऐसा सीधा, ठीक है। कन्नी को छोड़ते हुए 2 इंच पर निशान लगा देना है। इस निशान को भी स्ट्रेट कर लीजिए चाहे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको हल्का हल्का उठाना है, ये मैंने हल्का निशान उठा दिया है। तो लंबाई इसकी रहेगी 26 इंच, तो 26.5 निशान लगाएंगे और 1/2 इंची एक सूद नीचे और रखेंगे मार्जिन, वो रहेगा गोल दामन के लिए। तो सबसे जो नीचे निशान है उसको निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। सीने का चौथा हिस्सा रखना है, सीना है 37 इंच, तो 37 का चौथा हिस्सा होगा 9.25 इंच। लेकिन आर्मोज थोड़ा फिटिंग के रखेंगे शर्ट के, तो यहाँ पर 2 सूद कम कर देंगे, 9 इंच पर निशान लगाएंगे। निशान लग गया यहाँ पर और हमारे पास ये देखिए स्ट्रेट निशान ये यहाँ पर आ रहा है। सीने का चौथा हिस्सा रखना है इस निशान से 9.25 इंच प्लस 2 इंच। सिलते समय कम से कम मार्जिन इसमें लेंगे 1/4 इंच का। यहां पर आ जाएंगे 12 × 36 इंच, तो यहां पर 3 इंच छोड़ देंगे और इस साइड 2.5 इंच शेप कर लेंगे। 17.5 इंची इसका शोल्डर है, तो 8.5 इंची एक सूत, इसमें रखेंगे 3 सूत का मार्जिन, टोटल हम 18 से काटेंगे। ऊपर से 1/2 इंच डाउन करेंगे, थोड़ा सा आर्म होल इसमें फिटिंग के बनाएंगे इसलिए 2 सूत यहां से डाउन कर देंगे। जो ये निशान आ रहा चेस्ट का, इससे लगभग 1/4 इंच पीछे स्केल रख करके निशान लगा लेंगे और यहां से हाथों की सहायता से शेप दे देंगे, ठीक है। लंबाई का हाफ करेंगे, लंबाई का हाफ आएगा 13 इंच, इसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे, 15.5 इंच पर लगाएंगे पेट का मार्का। 33 इंच पेट है, तो यहां पर 8.25 रखेंगे और इसमें भी 2 इंच यहां पर देंगे लूजिंग। यहां से 2 इंच ऊपर, 2 इंच ऊपर रखेंगे, नीचे निशान को थोड़ा स्ट्रेट कर लेंगे। 37 इंच हिप है, तो यहां से 37 का चौथा हिस्सा 9.25 प्लस 2 इंच। अब हाथों की सहायता से यहां से गोलाई दे देंगे। देखिए आप शेप पट्टी लेनी है और ऊपर का शेप को नीचे का शेप को मिला देना है ऐसे करके। कमर के पास यदि थोड़ा बहुत गैप आ रहा है तो इसको गैप आने दीजिए। यदि आपको एकदम फिटिंग चाहिए तो आप कमर के गैप को भी यहां से इस तरीके से स्केल से मिला सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम कमर पर ज्यादा शेप नहीं देंगे, इसकी कटिंग कर लेते हैं। एक बार सामना कट जाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको कट कर हटा देंगे। हमेशा सामना काटने के बाद आस्तीन की कटिंग होती है। आस्तीन काटने के लिए इस कपड़े को लेंगे और डबल फोल्ड कर लेंगे। आर्मोल्स इसमें हमने डाउन किया था 9 इंच, तो ये कम से कम 9.5 इंच चौड़ा कपड़ा रहना चाहिए। इसको इस तरीके से करके नाप लेना है, 9.5 इंच, 1/2 इंच एक्स्ट्रा। सबसे ऊपर यहां पर निशान लगाएंगे एक, जितनी लंबाई उसमें 1 इंच कम कर देंगे, ठीक है। तो इसकी लंबाई जो है कोट की, ये आस्तीन की रहेगी इसकी 23 इंच, तो यहाँ पर लगाएंगे हम निशान 22 इंच पे। इसमें कफ लगेंगे और मार्जिन दबेगा ना, 2.5 इंच का कफ लगेगा आ जाएगा। सीने का चौथा हिस्सा हमेशा जो है कफ रहते हैं, तो 9.25 इंच कफ रहेंगे, तो 4.5 इंच एक सूती रख देंगे, 1/4 इंच और प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए और प्लेट्स के लिए।
यहाँ पर रखेंगे 9.5 इंच, आर्मोल 9 इंच तो रहा था, यहाँ पर 9.5 इंच, ऊपर से लगभग जो है 4 इंच पर डाउन करेंगे। इस तरीके से पट्टी लेनी है और उस साइड हल्का सा बढ़ा लेना है, क्रॉस कर लेना है। देखिए इस तरीके से शेप दे देना है, शेप से थोड़ा आस्तीन पर यहाँ पर हमारा फिटिंग हो जाएगी। देखिए पहले थोड़ा सा सीधा आना है, फिर हल्का हल्का सा गोलाई देते हुए ऐसा शेप दे देना है। इस तरीके से अस्थि को खोल लेना है और यहां पर थोड़ा सा भी आधा इंच का मार्जिन और निकाल देंगे नीचे से। बचे हुए कपड़े से बैक काटेंगे, इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। जो सामने की कटिंग की थी उसको सामना ले लेना है। जो सेंटर लाइन है इससे लगभग 1.25 इंची एक्स्ट्रा मोड़ लेना है। देखिए इस तरीके से आधा इंची एक सूत कपड़े को मोड़ लेना है। इस तरीके से इतना हमारा कपड़ा काज बटन में एक्स्ट्रा एक दूसरे पर चढ़ जाएगा। बाकी बचे कपड़े को इस तरीके से बिठा लेना है साइड से ऐसे। देखिए अब यहां से जो ऊपर है यहां से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। ठीक है, और 2.5 इंच निशान लगाने के बाद इसको स्ट्रेट कर लेंगे। यहां से 1.5 इंच ये डाउन करेंगे, 3 इंच हमने ये छोड़ा था तो 3 इंच को ये छोड़ देंगे। यहां से इसको नाप लेना है कितना आ रहा है, 6.5 में एक सूत कम ऐसे। एक बार हम तिवरे को नाप लेंगे। ठीक है, तिवरा था हमारा 17.5 इंच, तो इसको हमने 9 इंच से काटा था तो इसको भी 9 इंच से काटेंगे ऐसे। यहां से यहां तक डाउन कर लेंगे। यहां से लगभग 1.5 इंच पीछे रखेंगे यहां से। जिसमें आपको तिवरा नहीं रखना है आप इस तरीके से शर्ट काट सकते हैं। यहां से 2.5 इंच ऊपर तिवरा कटेगा। यदि आपको शर्ट में तिवरा रखना है तो मैंने और भी बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, इस वीडियो में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाकर के तिवरे की कटिंग देख सकते हैं।